हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं नहीं, मैंने आपसे बोला था आज से मैं चेंज करूंगी अपना इंट्रोडक्शन। सो जय सियाराम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रिया की लाइफस्टाइल में। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में मेरे आने वाला है मेले का वीडियो, तो मैं भी चल रही हूँ मेले में। तो क्या कुछ होता है आप लोग वीडियो पर बने रहना, वीडियो पर अगर स्किप कर दो ना तो कब क्या मज़ा आ जाएगी पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अभी बस निकल रहे हैं और मैं इसी कपड़े में चल रही हूँ क्योंकि नियर बाई है और थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिवाली की वजह से, सो इस वजह से कंफर्टेबल कपड़े ही पहने तो ज़्यादा बेटर है। तो बस रुकू, अभी उसी अवतार में है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहो, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय मेले में। सो फाइनली हम लोग मेले में पहुंच गए। देख रहे हो मेले की वजह से ना इतनी ट्रैफिक कि हम लोग को बीच रोड में उतर के फिर मैं क्रॉस करके चली गई, फिर ये बाइक बाद में पार्क की है। सो आप लोग वीडियो पे बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए रहोगे तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेले में बहुत कुछ ऐसा है, मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगता ना बिकॉज़ ये सारी चीज़ें तो हमेशा रोज़ रेगुलर मार्केट में रहती है। बट हाँ, झूले वगैरह नहीं रहते इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि कैसा मेला था, इस बस इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने सामान यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदे हैं। ये वही देख रहा है। तो अब हम लोग मेले में आए और सबसे ज्यादा इनको बोल रहे कुछ हो गया प्रॉब्लम। रियाज को भी मैंने इसे जाने का रेंगर पापा जुगाड़ दे रहे हैं ऐसे खुदाई दे क्या वो फीलिंग दे रहा है। बस ज्यादा नहीं वही क्यों अंकल झूला टाइम अप। उसको भी मजा आ रही है कि मैं भी जंप कर रहा हूँ। पापा थक गए देखो मजा आई नाक फूट गया तो जरूरत ज्यादा जंप करोगे तो क्या होएगा। उसमें जाना है गधा उड़ जाएगा उसमें से, मैं तो नहीं जाऊंगी, बच्चे लोग को अलाउ नहीं है उसमें। वही तो बोल रही, छोटे बच्चे लोग उसमें नहीं जाते। तो उसमें चलो जंप से आया और अब इसमें जाने बोल रहा है, चलो इसमें भी स्लाइड कर ले। देर देर हाँ जाओ जाओ
डुबू ऊपर गया है। तो डुगू को मैंने झूले में डाल रख दिया है और आंटी यहाँ मिल गई। आ गए? नहीं अभी फोन नहीं की मैं। मम्मी को बोनस वादा क्योंकि रियांश की वजह से वो हनुमान जी उसके उसके सामने उसके सामने नहीं वीडियो अच्छा आएगा। हाँ डुगू इस पे बैठो, रुको रुको बैठा अच्छा। मेरे को इसको भी जाना है। डुगू को पकड़ो, उसको टाइट पकड़े रहो बाबू को। हाँ गोद में मत बैठाओ, गोद में मत बैठाओ यार, पकड़ो पकड़े रहो। हाँ देखो उसको, उसको भी पकड़ा दे, उसको भी पकड़ा दे। नहीं लगता, इसीलिए उसको सिखाई कि उसके साथ इन लोगों का ये भी है। मैं बोली ना बैठाते का हो गए झूल के, और रियांश का भी ख्याल रखिए आंटी कि नहीं हो गया उतार लो। तो डुगू रियांश को नहीं गया डर की वजह से, मैं आंटी बोली नहीं बैठाओ स्लो स्लो चलेगा। और आंटी ने बराबर रियांश का ध्यान नहीं, उस पर तो रियांश भी गिरा। तो घर जाते जाते ये बोले चलो फ्रैंकी खा लो, तो मैं फ्रैंकी खा रही हूँ। और फ्रैंकी खाते खाते जैसे ऑर्डर दिया वैसी ये मिल गई। ये खाएगी नहीं लेकिन पार्सल बस लेके जाएगी, खाएगी नहीं। तो बस अब पहले ऑर्डर दी हूँ, भैया पता नहीं कब देंगे, इस साल देंगे कि नहीं मालूम। सो फ्रेंड्स घर आने के बाद मैं बच्चों का कपड़ा चेंज कर देती थी, लेकिन रियांश देखो कपड़ा चेंज ही नहीं करवा रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे खड़े होना है। तो एक्चुअली ये खुद से चढ़ा है लेकिन ये पीछे से पकड़े हुए हैं ताकि गिरे ना। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।